अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह से खुशोखुर्रम और आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे इलाके में किस कदर सर्दी पड़ती है। ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है, आई थिंक ये दिसंबर के लास्ट का व्लॉग है। तो उस दिन बहुत शदीद ठंड थी, और ये देखें रात को जो शबनम पड़ती है वो सुबह तक बिल्कुल जम जाती है। ये फॉग है, आई थिंक इसको फॉग ही बोलते हैं। तो ये ऐसे जमी हुई है जैसे बिल्कुल बर्फ़बारी हुई हो। तो मैं उस दिन जा रही थी जॉब पे, तो मैंने सोचा चले क्यों ना आज मैं अपने इस रास्ते से जाती हूँ। ये थोड़ा शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट तो नहीं है, थोड़ा सा लंबा ही रास्ता है, लेकिन थोड़ा हटके है, आम जो हमारा रास्ता है उससे ज़रा हटके है। तो मैंने सोचा चले मैं आज इस साइड से जाती हूँ, और मैं आप सबको भी दिखाती हूँ कि किस कदर शदीद ठंड है। बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पे था वेदर, और लेकिन जो धूप निकली हुई थी इसकी वजह से मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब इस सर्दी को भी फुल मैं इंजॉय करते हुए जा रही थी, और मैंने सोचा चले मैं थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ। और ये देखें जी, बिल्कुल जो ग्रीनरी है वो उसके ऊपर एक पूरी तह जमी हुई है बर्फ़ की। और इस वजह से इन दिनों जिन दिनों ये सर्दी पड़ती है, इस तरह की शबनम जम जाती है, उन दिनों में शदीद ठंड होती है। इस कदर ठंड होती है कि चलना भी मुहाल होता है। लेकिन चूंकि इस साइड से धूप निकल लगती है, तो फिर मैं इस साइड से कभी कभी चली जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो और आप बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना 100 डेज़ चैलेंज रखूँ, और वो चैलेंज ये होगा कि मैं डेली एक व्लॉग बनाऊँगी, चाहे छोटा सा हो, 1 मिनट का, 2 मिनट का, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं 100 डेज़ अपने कंप्लीट करूँगी। वैसे तो मुझे 365 डेज़ का चैलेंज रखना था, लेकिन वो मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा था, तो मैंने कहा चले पहले मैं आपके साथ 100 डेज़ का चैलेंज कर लेती हूँ। अगर मैं उसमें कामयाब हो जाती हूँ तो फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगी। तो इसलिए मैंने आज इस छोटी सी वीडियो से आगाज़ किया है कि चलें इस तरह से मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। काफ़ी दिनों से मेरे मोबाइल में ये वीडियो रखी हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये खेतों की साइड से रास्ता है, थोड़ा एक साइड से होके निकलता है, तो मैंने कहा चलें आज इसको भी इंजॉय करते हैं। तो चलें आप भी इंजॉय कीजिए, और मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपके एरिया में कितनी ठंड पड़ती है, क्या आपकी तरफ भी इसी तरह से बर्फ़ जम जाती है सर्दियों में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक भी कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।